मैं बोली मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप बहुत बदमाशी कर रहे हैं। तो अथर्व का रिएक्शन था, नहीं मैम आप प्लीज मुझसे बात करिए, मैं बदमाशी नहीं करूंगा। तो मैंने अथर्व से थोड़ा सा ओवर एक्टिंग करते हुए कि नहीं मैं आपसे नाराज हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तो अथर्व काफी प्यार से मुझे मना रहे हैं कि नहीं मैम प्लीज मान जाइए, मैम नहीं करूंगा, मैम अब नहीं करूंगा। और उन्होंने काफी किस्सी वस्सी देखी, मुझे मनाया, फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक है ठीक है, फिर अथर्व को मैंने मैम मान ली। बात युपीच्या प्रयागराग मधला हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावरती चांगलाच व्हायरल होतोय। व्हिडिओत हा लहानगा टीचरला समजावण्याचा प्रयत्न करतोय, टीचर त्याच्यावर चिडले आणि मुलगा तिचा राग काढण्याचा प्रयत्न करतोय। व्हायरल व्हिडिओ मधल्या या मुलाचं नाव आहे अथर्व सेन आणि टीचरचं नाव आहे विशाखा त्रिपाठी। पण हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यापासून एकच प्रश्न विचारला जातोय की असं काय झालं ज्यामुळे टीचर इतकी रागावली आहे आणि हा लहानगा तिला समजवण्याचा प्रयत्न करतोय। याचंच कारण थेट विशाखा त्रिपाठींकडूनच आम्ही जाणून घेतलं। सर उस दिन हमारे यहाँ फ्रूट चाट एक्टिविटी होती है, हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती है। उस दिन फ्रूट चाट एक्टिविटी थी और बच्चे काफ़ी शैतानी भी कर रहे थे उस टाइम पे। तो अथर्व उस टाइम पे बदमाशी कर रहे थे, मैंने बोला अथर्व प्लीज़ कम, अथर्व आए, मैंने बोला कि बदमाशी कर रहे हो, तो बोला कि नहीं मैम नहीं करूँगा। मैं बोली मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आप बहुत बदमाशी कर रहे हो। तो अथर्व का रिएक्शन था, नहीं मैम आप प्लीज़ मुझसे बात करिए, मैं बदमाशी नहीं करूँगा। तो मैंने अथर्व से थोड़ा सा ओवर एक्टिंग करते हुए कि नहीं मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो अथर्व काफ़ी प्यार से मुझे मना रहे हैं कि नहीं मैम प्लीज़ मान जाइए, मैम नहीं करूँगा, मैम अब नहीं करूँगा। और उन्होंने काफ़ी किस्सी वस्सी देखी, मुझे मनाया, फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक है ठीक है, फिर अथर्व को मैंने मैम मान ली। प्रयागराजच्या जयपुरिया शाळेतला हा व्हिडिओ आहे। मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ वीडियोस भी हैं। जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लोगों ने मुझे बताया और काफ़ी लोगों ने मुझे भेजा कि मैम आपका वीडियो वायरल हो रहा है, तो मुझे देखिए काफ़ी अच्छा भी लगा। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैम आजकल काफ़ी हिंसक घटनाएं हो रही है बच्चों को लेकर, शिक्षा प्रणाली को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? सर मैं यही सबसे बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ टीचर्स आप गुरु हो तो गुरु की तरफ बिहेव करिए। मारना पीटना ये बहुत अलग बात है, बच्चों को जितने प्यार से आप हैंडल करेंगे बच्चे उतने ही प्यार से आपकी बातें सुनेंगे, आपको एडमायर करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो प्लीज़ प्यार से हैंडल करने की कोशिश करिए, एक मदर की तरह कोशिश करिए कि मदर की तरह उनको हैंडल करिए, एक दोस्त की तरह हैंडल करिए। तो सर चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी, बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी सारी बातें सुनेंगे। बच्चों को भी यही बोलूँगी कि ज़्यादा शैतानियाँ मत करिए, मैम की बातें सुनिए। और टीचर से मैं बोलूँगी कि प्लीज़ मदर की तरह केयर करिए, दोस्त की तरह हैंडल करिए, बातों को उनको समझिए और उनको अपनी बातों को समझाइए प्यार से।